फ्रेंड्स, मैंने कुछ महीनों पहले एक एसी का रिव्यू किया था जो कैरियर कंपनी की तरफ से आया था। 1.2 टन का स्प्लिट एसी था जिसको आपके तरफ से काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिला। साथ ही साथ उसमें मुझे कुछ कमेंट भी मिले जो सर्विस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे। सबसे पहले फ्रेंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को सपोर्ट किया और अपना प्यार दिया। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो स्प्लिट एसी है जो आपने लगाया होगा उसको क्लीनिंग कर सकते हो घर पे ही। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो कैरियर के तरफ से 3 फ्री सर्विस मिलता है उसमें आपको क्या क्या मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमजी टेक हिंदी। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो आप घर पे आपका एसी लगा होगा उसकी रेगुलर आप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कभी अगर आपका ऑटो क्लीन वाला सिस्टम होगा तो आपके वहां पे एसी पे अगर सीएल लिख के आ रहा होगा इंडिकेटर पे, तो समझ जाइएगा कि कुछ आपको क्लीनिंग की जरूरत है उसमें और आपको क्लीन कर देना चाहिए। फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अपने एसी को घर पे ही ड्राई क्लीन कैसे कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में करना होता है। सबसे पहले अपने इंडोर एसी को, आपको बॉक्स होता है उसको खोल लेना है। खोलने के लिए दोनों तरफ आपको ग्रिप मिलेगा, उसको पकड़ के आगे की तरफ खींचेंगे तो खुल जाएगा। उसके बाद से खोल लेने के बाद से आपको यहाँ पे 2 जाली दिख जाएगा, ठीक है। इन जाली को आपको साफ करना पड़ेगा। सबसे पहले इस जाली को निकाल लेना होगा। निकालने के लिए बीच में से पकड़ के हल्के से ऊपर करके और सामने की तरफ खींचना होगा आपको। आप देख सकते हैं इस पे डस्ट लगा हुआ है, ठीक है। इस डस्ट को आपको क्लीन करना होगा। क्लीन करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोनों जाली को मैं निकाल लेता हूँ। प्रोसेस दोनों का सेम है, आपको जाली निकालने का तरीका है जो वैसे ही है, उसको निकाल के। और आपको लगता है कि इंडोर एसी के ऊपर भी आपको कुछ डस्ट दिखे तो उसको कॉटन या फिर ब्रश की मदद से हल्के हाथों से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद से जो जाली आपने निकाल लिया होगा दोनों, उसको वाशरूम में या फिर नल के नीचे आराम से पानी खोल दीजिएगा और खोल के हल्के हल्के हाथों से उसको साफ कीजिएगा। जैसे सहलाते हैं ना, वैसे ही इसको आपको साफ करना है। इसमें से जैसे साफ करना स्टार्ट करेंगे तो ब्लैक कलर के आपको डस्ट देखने को मिलेंगे, जो ऐसे ही सहलाते सहलाते आप उसको साफ करेंगे तो सारा डस्ट धीरे धीरे वहाँ से छूट जाता है। आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बाद में सारा साफ हो जाता है। ये कुछ भी चिपकने वाला इसमें नहीं होता है। इसको ऐसे ही नल खुला छोड़ के और इसको ऐसे धोते रहना है जब तक आपका पूरा डस्ट साफ ना हो जाए। और ऐसे ही जो दोनों जाली है उसको धो लीजिएगा। दोनों जाली अच्छे से धोना है। और इसमें आपको ना जाली के अंदर की तरफ आपको एक कॉटन पैड भी मिलेगा, उसको भी आप निकाल के धो लीजिएगा। अब इसका मतलब पता नहीं है कि यूज क्या है, लेकिन इसको भी आप धो दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जो इंजीनियर था मुझे बताया था कि इसको भी धो लेना है। उसके बाद इसको सुखा लीजिएगा और अच्छे से सूख जाने के बाद इसको आप लगाइएगा। अभी मौसम जो है काफ़ी ख़राब है, बाहर का लग रहा है ऐसा बारिश होगा। आप देख सकते हैं पूरा बादल है, तो सूखने में काफ़ी टाइम लगा। तब तक मैं क्या किया, जो अंदर का जो इंडोर यूनिट है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लिया हूं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसे लग रहा है, नया है भी वैसे, लेकिन डस्ट को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था ब्रश की मदद से। मेरे पास एक पेंटिंग वाला ब्रश था, उसी की मदद से मैंने हल्के हल्के इसको साफ़ कर लिया, जो भी आसपास में जो भी डस्ट लगे थे। उसके बाद से मेरा जाली सूख गया है। अब मैं जैसे मैं इसको निकाला था सेम वैसे ही मैं इसको लगा दूंगा। लेकिन आपको याद रहे कि जो जाली जहाँ से निकाला था आपने वहीं पे लगाएंगे। ऐसा ना हो कि राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, ऐसा नहीं लगाना है। आपने जैसे उसको निकाला होगा आप पहले से देख लीजिएगा कौन सी जाली किस साइड में लगी है, और वैसे ही दोनों जाली आपको आराम से इसको ऊपर की तरफ से स्वैप करके अंदर की तरफ आपको ढकेलना है। और उसके बाद से नीचे 2 पिन होंगे उसमें फंसा देंगे, आराम से लग जाता है, आराम से निकल जाता है। ये बेसिकली निकालने और साफ करने के लिए ही बना है। उसके बाद से ढक्कन को अच्छे से बंद कर दीजिएगा। फ्रेंड, अभी जो मैंने प्रोसेस आपको दिखाया उसको कहते हैं ड्राई क्लीनिंग, जो आप अपने घर पे ही कर सकते हो और इसको आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं जो कैरियर कंपनी की तरफ से आपको 1 ईयर में 3 सर्विस फ्री मिलता है उसमें आपको क्या क्या मिलता है। फ्रेंड, इसके लिए मैंने जो कैरियर कंपनी के कस्टमर केयर हैं वहाँ पर कॉल किया था और इसकी जानकारी ली थी ताकि मैं आपके साथ कोई गलत इंफॉर्मेशन ना शेयर करूं। फ्रेंड, जो मुझे पता चला उसमें ये था कि अगर आप वहां से 3 सर्विस अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको उसमें 2 जो सर्विस मिलेगी वो ड्राई सर्विस होगी और
एक जो सर्विस आपको उसमें से मिलेगी वो वेट सर्विस मिलेगी, जिसमें आपके एसी को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कैरियर कंपनी की तरफ से। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि सारी इन्फॉर्मेशन और क्लीनिंग प्रोसेस आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया। इसमें भी आपको कोई अगर डाउट होता है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।